हिमाचल के कांगड़ा में विकसित भारत यात्रा के दौरान आपको बता दें लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक करते हैं सीधा। चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो हमारी लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्मत जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इज़्मत की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्ज्वल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए अब देखते हैं कहां पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियां में पहुंचा देती है। तो अब हम चलेंगे दरभंगा बिहार में, जहां प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है, घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा 1 सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में, आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखे जो मत पूछे, हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी खुशी से मनाया जाता है, और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो? जी सर, 3 बच्चा हैं, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे नहीं, समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका, तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या आप?
सर समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तेकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी है। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल। तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का, बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है सर। पूरा गांव में जहां तक हम रहते हैं कटैया में सबको उज्ज्वला गैस मिला है, घर तक पहुंच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए सबको पहुंचा है सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं है पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है, और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के, हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है वो टिकना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है,